मम्मी मैंने ना शादी कर ली है। क्या तूने शादी कर ली है इससे? ये लड़की तो लग नहीं रही है, ये क्या है? ऐसे कैसे शादी कर ली है तूने? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये? हाँ माँ मैंने ना शादी कर ली है और ये किन्नर है। क्या तूने किन्नर के साथ शादी कर ली है? अरे इससे शादी करने से पहले कुछ तो सोच लिया होता तूने? तुझे शर्म नहीं आई इसके साथ शादी करते हुए? एक किन्नर से शादी? अरे तूने मेरे बारे में नहीं सोचा, अपने पापा के बारे में नहीं सोचा, अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा? इसकी भी शादी होने को है, इस समाज के बारे में नहीं सोचा? लोग थूकेंगे है, कहीं पे भी तूने मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। अब इसके साथ कौन शादी करेगा ये बता पहले है? तूने क्या सोच के इसके साथ शादी की? कितने अरमान थे मेरे कि मैं तेरी कहीं अच्छी जगह शादी कराऊंगी, और तूने तूने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। हाँ माँ आप बिल्कुल सही कह रही हो। भैया आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? आपने किन्नर से शादी कर ली? अरे मेरी सोचते, माँ की सोचते, समाज वाले क्या कहेंगे और मेरी शादी कैसे होगी और लोग मुझसे क्या बोलेंगे? मेरी भाभी एक किन्नर है। अरे तो मम्मी क्या हो गया, मैंने इससे शादी कर ली तो ये भी तो एक इंसान है। अब तो ऐसे घर जैसे कौन सा बड़ा मैंने पाप कर दिया है? और माँ वैसे भी हमें दुनिया से क्या लेना देना? और माँ लोगों का क्या, लोग तो बोलते ही रहते हैं। अरे माँ किन्नर है तो क्या हुआ, है तो एक इंसान ही, और मैं ना इससे प्यार करता हूँ इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। अरे आंटी आप मुझे इतना बुरा भला क्यों कह रही हो? अरे एक बार मुझे अपनाओ तो सही, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। ओ मम्मी जैसे भी है आपसे इसी घर में रहेगी और आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहा है, इसको इस घर में रखेगा? ये इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी, चुपचाप चला जाए यहाँ से इसको लेकर के, दफा हो जाए मेरी आंखों के सामने से। अरे मम्मी हमारी एक बार बात तो सुनो। डोंट कॉल मी मम्मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मम्मी बोलने? तूने मम्मी बोला कैसे? ले चला जा इसको लेकर के यहाँ से। मम्मी मैं इसे लेके कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा इसी घर में और ये भी यही रहेगी। तुझे जो करना है वो कर, आइंदा के लिए मेरी नजरों के सामने मत आना। बेबी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है। अच्छा महारानी मोबाइल चला रही है बैठी बैठी? तुझे अब बैठने के लिए लेकर के आए, चल जा काम कर जाके घर का। क्या कर रही है वो? पता नहीं, इसी से काम करवाते हैं। ठीक है घर का कोई भी काम मत करना, फिर देखते हैं। सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम यही करेगी, तुम कुछ भी नहीं करोगी। ठीक है इसे ना इतना परेशान करेंगे खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। हाँ बिल्कुल, मेरी तो वैसे भी नाक कटवा के रखी है, मैं क्या बताऊं हैं, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रखी है, कहां से एक कलमू ही आ गई है मेरे घर में। बस कैसे भी करके ऐसा प्लान करो कि ये यहां से निकल जाए। ए, ये पानी पड़ा हुआ है दिखाई नहीं दे रहा तुझे? ए, तुझे पानी दिखाई नहीं दे रहा? ठीक से साफ कर इसे। क्या हुआ दीदी, मैं तो आपके कपड़े बस तय कर रही थी। तेरी हिम्मत कैसे मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? हाँ पता है कितने महंगे कपड़े हैं ये? रुक तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। अरे दीदी मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो बस आपके कपड़े खरी कर रही थी। सही किया बेटा, ये इसी लायक है। अरे भारती क्या हुआ, क्यों पीट रही तुम इसे?
मेरे कपड़े छू रहे थे वो। अरे कपड़े तो छुए थे, ऐसा भी गुनाह थोड़ी ना कर दिया। और मम्मी अब खड़े खड़े देख रही हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, एक तो मैंने उसको अपने घर में शरण दी है और उसके बाद में तू अपनी बहन से चिल्ला रहा है। तू कम से कम इतना तो देखना चाहिए, ये तुझसे छोटी है, तमीज से बात कर इससे, समझ में आया? उसके लिए तूने अपने माँ बाप भाई बहन सबको त्याग दिया है, क्या है आखिर उसमें? अरे आप रुक जाइए, आप इनसे कुछ मत कहिए। अरे गलती तो सिर्फ मेरी है, मैं एक किन्नर हूँ। काश आज भगवान ने भी मुझे एक लड़की बनाया होता तो मैं एक घर में अच्छे से रह रही होती, बट नहीं, भगवान ने मुझे एक किन्नर बनाया। आप इन लोगों को कुछ मत कहिए, इसमें गलती ना मेरी है ना समाज की है, बल्कि लोगों की सोच की है। लोग हमें किस नजाकत से देखते हैं, क्या समझते हैं, उनके लिए तो हम सिर्फ एक किन्नर ही हैं। समाज हमें ताली बजाने वाला समझता है, हमें इज्जत नहीं देता, हमारी इज्जत नहीं करता, वो हमें बस इसी निगाहों से देखता है। उनकी सोच को मैं बदल नहीं सकती। और हाँ मम्मी जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। दीदी आप भी मुझे माफ़ कर देना। अगर आप लोग नहीं चाहते हो मैं इस घर में रहूं, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आज से तुम मेरे साथ में रहोगी, ठीक है? मुझे समझ में आ गया है समाज के लोग क्या है, समाज क्या है, कुछ भी नहीं है, समाज तो कहता रहता है। नहीं बेटा, मुझे सब समझ में आ गया है, तुम मेरी बच्ची हो और मैं तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर रही हूँ। बस कहीं मत जाओ बेटा, कहीं मत जाओ। बेटा तुम मुझे माफ कर दो, मुझे सब समझ में आ गया है, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास, हम सब लोगों के साथ में रहोगी, हमारे घर में, इसी घर में। अरे मम्मी जी आप माफी मत मांगिए, मेरे लिए इतना ही काफी है, आपने मुझे अपना लिया और इस समाज की सोच को ठुकरा दिया। अरे बेटा आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो।